महाराष्ट्र के सोयाबीन किसान परेशान हैं। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर दाम पहुंचने के बाद सोयाबीन की कीमतें टूट सी गई हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सोयाबीन खरीफ सीजन की दूसरी सबसे प्रमुख फसल है। पिछले साल कम उपज और उचित दाम नहीं मिलने के कारण किसान पहले से ही परेशान थे। वहीं इस बार अच्छी बारिश और कटाई से पहले उच्च स्तर पर पहुंचे दाम से किसानों की उम्मीद जगी थी। वे इंतजार में थे कि कुछ दिनों तक सोयाबीन की कीमत 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बनी रहे, ताकि मेहनत और खर्च छांटकर अच्छी आमदनी हो जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वर्तमान में सोयाबीन की कीमत प्रति क्विंटल 9,000 से 10,000 रुपये से घटकर 4,000 से 6,000 रुपये पर आ गई है। सोयाबीन का MSP 3,950 रुपये प्रति क्विंटल है। कुछ दिन पहले तक सोयाबीन का भाव 10,000 रुपये प्रति क्विंटल था, लेकिन अब कलमाना मार्केट में अचानक सोयाबीन का रेट 4100 से 4400 रुपये के बीच आ गया है। सोयाबीन आयात करने के फैसले के कारण दाम में अचानक गिरावट दर्ज की गई है। आगे भी कीमतों में कमी होने का अनुमान है। भारतीय सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे। इस बार खरीफ सीजन में किसानों ने सोयाबीन का रकबा बढ़ा दिया था, इसी कारण से सोयाबीन बीज की काफ़ी मांग भी बढ़ गई थी और दाम लगभग दोगुना हो गए थे। अब कटाई से ठीक पहले कीमतों में इतनी भारी गिरावट से हर कोई चकित है। शेतकारी संगठन के अध्यक्ष कहते हैं कि यह सामान्य धारणा है कि 12 लाख टन सोयाबीन के आयात के हालिया फैसले के कारण कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। पोल्ट्री में चारा के रूप में इस्तेमाल होने वाले सोयाबीन की मांग इसे बहुत ज़्यादा है। यह एक महीने पुराना फैसला है और इसका असर अब तक दिखा है। सोयाबीन के दाम 10,000 रुपये क्विंटल के आसपास आ गए हैं। हालांकि बीते दो दिन में अचानक आई गिरावट हैरान कर देने वाली है। वहीं सूत्रों का कहना है कि इस समय जो उपज आ रही है उसमें नमी की मात्रा अधिक है। दाम में गिरावट के पीछे यह भी एक कारण है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कृत्रिम तरीके से दाम को कम किया गया है। कई जगह तो यह स्थिति है कि MSP से भी कम दाम पर सोयाबीन की खरीद हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।